घोड़ों के बीच हो रही है और पहले ही घोषणा की जा चुकी है जो प्रथम स्थान पर रहेगा उसके उसको हीरो की एचएफ डिलक्स बाइक इनाम दी जाएगी। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 31,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 21,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाना है। उसी के क्रम में ये भाग दौड़ चल रही है। मैं एक बार फिर अशोक राय जी और उनके परिवार को पूरी तरह से जो है दिल से साधुवाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि दिन दुना रात चौगुना ऐसी ही वृद्धि हो और साथ में ऐसी ही सद्बुद्धि बनी रहे। ये महत्वपूर्ण होता है, बनी रहे, ये मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। सूरज उगे तो रोशनी दे आपको, फूल खिले तो खुशबू दे आपको। मैं तो कुछ देने के काबिल नहीं हूँ पर देने वाला हमारी उम्र दे आपको, ये मैं भगवान से दुआ करता हूँ। और ऐसे ही आयोजन चलता रहे और इस ग्राम सभा अगर अमन के भोजपुरी में कहीं तो जाए अमन की एक तरह से जनक बोलने वाले, तो इस ग्राम सभा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपनी तरफ से। माननीय श्री राम चौहान जी का आगमन इस मंच पर हो चुका है, विशाल मंच पर। एक बार चाहूंगा सभी लोग तालियां बजा करके उनका स्वागत करेंगे। वर्तमान में खजनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कई बार के विधायक रह चुके माननीय श्री राम चौहान जी, भारी भरकम शरीर के मालिक, खुदा का और सेहत का बादशाह हमारे बीच में माननीय श्री राम जी चौहान जी का आगमन हो चुका है। मैं स्थिति चक्र की घोषणा कमेटी के निर्णय के बाद करना चाहूंगा। प्रथम स्थान पर कुणाल जी का घोड़ा जो समस्तीपुर एक्सप्रेस है जिसके सवार मेघू बैच नंबर 21 के साथ प्रथम स्थान पर रहे और बैच नंबर 22 के साथ झमलू सिंह का